आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बागेश्वर में 1, देहरादून में 26, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 17, उधमसिंह नगर में 3 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं उत्तराखंड में अभी 526 केस एक्टिव बने हुए हैं। ड्रग्स सिंडिकेट में थी रिया, खरीद सप्लाई में भी शामिल। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स का मामला, तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मित्र रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट की सदस्य थी। इतना ही नहीं, वह ड्रग्स की खरीद से लेकर सप्लाई तक के काम में शामिल थी। यह दावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी चार्जशीट में किया है। राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 9 महीने बाद 11,700 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की है। विस्फोटक भरी गाड़ी के मालिक की मौत, तो रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास लावारिस मिली बारूद बनाने में काम आने वाली जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो के मालिक हिरेन मनसुख की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। गैरसैंण में बनेगा हेलीपैड, एक साथ 3 MI हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। भराणी सैंण क्षेत्र के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी परिक्षेत्र गैरसैंण के सुनियोजित विकास के लिए 350 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भराणी सैंण में इतना बड़ा हेलीपैड तैयार किया जाएगा कि उसमें 3 MI हेलीकॉप्टर उतर सकें। महाकुंभ में कार्यों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने बनाई कमेटी। तो हरिद्वार महाकुंभ में सभी निर्माण कार्यों की जांच के लिए हाईकोर्ट ने जिला जज हरिद्वार हाईकोर्ट के मुख्य स्थायी अधिवक्ता याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव भट्ट को शामिल करते हुए एक कमेटी गठित की है। देश में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर संकट। तो कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी स्थायी नहीं है, पर इससे अगले कुछ समय में भारत समेत सभी देशों में टीके के उत्पादन पर असर संभव है। BRO ने 8 दिन में बनाया 200 फीट लंबा ब्रिज वैली। तो जोशीमठ से खबर आई है, जिला सड़क संगठन ने मलारी हाईवे पर रेणी में वैली ब्रिज निर्मित कर चीन सीमा क्षेत्र में यातायात सुचारू कर दिया है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के विवाद की जांच होगी। तो खेल व युवा कल्याण मंत्री अरविंद पांडे ने सदन में दिया आश्वासन, टैबलेट से होगी आयोग की भर्ती परीक्षाएं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं में अब पहाड़ के दूर दराज के युवाओं को परीक्षा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। आयोग ने पहाड़ के दूर दराज के युवाओं के लिए टैबलेट पर परीक्षा कराने का फैसला लिया है। शुक्रवार को आयोग के अध्यक्ष एस राजू और सचिव संतोष बड़ोनी ने टैबलेट लॉन्च किया। 15, 16 और 17 मार्च को होने जा रही आयोग की दो भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के 6 पर्वतीय जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 465 टैबलेट से यह परीक्षा कराई जाएगी। आयोग की ओर से 15 मार्च को 2 पालियों में और 16 मार्च को सुबह की पाली में लेखा लिपिक के 142 पद पर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद 16 मार्च को दूसरी पाली और 17 मार्च को दोनों पालियों में व्यक्तिगत सहायक के 158 पदों पर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा के लिए देहरादून में 11, हरिद्वार में 5, पौड़ी गढ़वाल में 1, टिहरी में 1, उत्तरकाशी में 1, चमोली में 1, नैनीताल में 6, अल्मोड़ा में 1, पिथौरागढ़ में 1, चंपावत में 1 और बागेश्वर में 1 परीक्षा केंद्र, यानी 3 दिन में कुल 30 परीक्षा केंद्र में यह परीक्षा होगी। UTT के आवेदन करने वाले घटे, परीक्षा 24 मार्च को। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा UTET के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घट गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार 33,212 अभ्यर्थी कम हो गए हैं। 24 मार्च को प्रदेश के 177 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित UTET प्रथम और द्वितीय के ऑनलाइन आवेदन इस साल 22 फरवरी तक भरे गए थे। इस वर्ष UTET प्रथम में 42,817 और द्वितीय के लिए 42,570 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस वर्ष कुल 85,387 अभ्यर्थी प्रदेश के 177 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। पिछले साल UTET प्रथम और द्वितीय के लिए कुल 118,599 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। बोर्ड में इन दिनों परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं। परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। बोर्ड के
अपर सचिव बीएमएस रावत ने बताया कि हाल ही में सीटेट की परीक्षा हुई थी, अधिकतर अभ्यर्थियों ने उस परीक्षा को दिया था, इस कारण भी अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि बढ़ी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एच सी एस बिष्ट ने कहा कि वर्ष 2020 के सेमेस्टर और वार्षिक बैक परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर एन के जोशी ने आदेशों के अनुपालन में स्नातक सेमेस्टर पद्धति विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जाना है। उनके लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 7 मार्च जबकि स्नातक वार्षिक पद्धति और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए पोर्टल पर परीक्षा आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 मार्च निर्धारित की गई है। बिना ढांचे के कैसे चलेगी कमिश्नरी, बताएं सरकार, तो विभागों में सैकड़ों पद खाली, सरकारी काम के साथ जनता की समस्याओं का कैसे होगा समाधान। तो प्रदेश सरकार द्वारा गैरसैंण को मंडल बनाने के निर्णय पर राजनीतिक दलों ने निशाना साधा है। आप उपरांत व स्वराज पार्टी का कहना है कि भाजपा ने जनहितों की अनदेखी कर कमिश्नरी का निर्णय लिया है। विभागों में पहले से ही अधिकारी कर्मचारियों के सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। इन हालातों में बिना ढांचे की कमिश्नरी का संचालन कैसे होगा, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। कहीं कुमाऊं गढ़वाल मंडल जैसा ना हो गैरसैंण का हाल, तो गैरसैंण को नया मंडल घोषित किए जाने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को लेकर के राज्य आंदोलनकारियों में जहां खुशी जताई गई, वहीं सरकार व आला अधिकारियों की मंशा पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों का मानना है कि कहीं नव सृजित गैरसैंण मंडल का भी वही हाल ना हो जाए जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का हुआ है। गैरसैंण बजट में स्वस्थ, सुगम, स्वावलंबी और सुरक्षित उत्तराखंड पर फोकस। तो स्वास्थ्य सेक्टर में बढ़ा 34% बजट, शिक्षा में 300 करोड़ ज़्यादा खर्च होंगे। तो शिक्षा के बजट में 300 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का बजट पिछले साल से 300 करोड़ बढ़ाया गया है। हर बच्चा स्कूल जाए इसके लिए पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार निःशुल्क जूता और बस्ता देगी। कर्ज के जाल में और उलझा उत्तराखंड। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भराणीसैंण गैरसैंण पेश किए गए बजट में यह भी जाहिर हो रहा है कि प्रदेश बाजार उधारी और अन्य कर्ज के जाल में उलझता जा रहा है। यही हाल रहा तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था के कुल के एक तिहाई से अधिक के कर्ज में डूब सकता है। 0 से 4.2% नीचे है उत्तराखंड के विकास की दर। तो वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश की विकास दर 0 से 4.2 नीचे रहने का अनुमान है। प्रदेश सरकार यह भी मान रही है कि अगले साल इस विकास दर में खासा इजाफा होगा। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के आसार। तो उत्तराखंड में शनिवार रात से मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी जिले में शनिवार रात से कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 7 और 8 मार्च को कई जगह हल्की से भारी बारिश, हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 7 व 8 मार्च को पर्वतीय हिस्सों में भारी बारिश व बर्फबारी के साथ ही कहीं कहीं आंधी चलने की आशंका है। CBSE ने बोर्ड परीक्षा की कई तारीखें बदली। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया है। नई डेटशीट में 12वीं के फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स जैसे पेपर को पहले 13 मई को होने थे, अब 8 जून को होंगे। लोहाघाट में मारपीट से बेटे को बचा रहे वृद्ध की हत्या। तो शहर में शुक्रवार देर शाम बेटे के साथ मारपीट के बीच बचाव कर रहे दो युवकों ने वृद्ध की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हत्या किस हथियार से की गई, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। पिथौरागढ़ में 300 सिक्योरिटी गार्डों की होगी भर्ती। तो कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे बेरोजगारों की अच्छी खबर है। जिला सेवा योजन कार्यालय की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड के लिए 300 लोगों की भर्ती होनी प्रस्तावित है। भर्ती में 21 से 35 आयु वर्ग के पुरुष हिस्सा ले सकेंगे। जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से आगामी 8 मार्च से मुनस्यारी विकास खंड में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। छात्र संघ ने कॉलेज में जड़े ताले। तो
पिथौरागढ़ से खबर आई है। एलएसएम विश्वविद्यालय में बीबीए विभाग के भवन निर्माण में कार्यदायी संस्था द्वारा की गई अनियमितता को लेकर छात्र संघ ने विश्वविद्यालय में तालाबंदी की। देहरादून से खबर आई है, ऑनलाइन डीएल में दलालों का दखल। तो आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बावजूद दलालों का दखल खत्म नहीं हो रहा है। घर बैठे स्लॉट बुकिंग और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग को लेकर आ रही दिक्कतों का फायदा दलाल उठा रहे हैं। दलाल लोगों से मोटी रकम ले रहे हैं। सचिवालय में बिना मंजूरी लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध। तो सचिवालय में बिना मंजूरी के किसी भी तरह का आयोजन सचिवालय परिसर में नहीं हो सकेगा। उत्तराखंड में खुलेंगे 39 नए पेट्रोल पंप। तो केंद्र की ओर से उत्तराखंड में 39 नए पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति मिलने के बाद नेसविला रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम के कार्यालय में इसके लिए लॉटरी निकाली गई है। ऋषिकेश शहर में घुसा हाथी, लोगों ने भागकर बचाई जान। तो ऋषिकेश में शुक्रवार सुबह एक दांत वाला हाथी हरिद्वार मार्ग पर देख लोगों में हड़कंप मच गया। मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों ने भागकर जान बचाई, इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही थम गई। लाठी चार्ज पर घाट जाकर सीएम माफी मांगे हरीश। तो मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में लाठी चार्ज की घटना पर सीएम को माफी मांगने की नसीहत दी है। उन्होंने राज्य सरकार के बजट को ख्याली पुलाव बताया। वहीं गैरसैंण को मंडल घोषित करने पर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। योग महोत्सव में साधक सीख रहे योग क्रियाएं। तो ऋषिकेश में गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग की ओर से चल रहा है योग महोत्सव। नाबालिग के अपहरण में एक दबोचा। तो गरुड़ से खबर आई, राजस्व पुलिस क्षेत्र जखेड़ा से नाबालिग के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता के भाई की तहरीर पर कार्रवाई हुई। राजस्व पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया। मामले की जांच राजस्व पुलिस उप निरीक्षक को सौंपी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से सम व विषम सेमेस्टर के साथ स्पेशल बैक परीक्षा व कोरोना काल में प्रभावित विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। अल्मोड़ा के प्राकृतिक जल स्रोत नौलों का संरक्षण होगा। तो नगर में अपेक्षित बड़े प्राकृतिक जल स्रोत नौलों की दशा में सुधार होने की उम्मीद जगी है। नगर पालिका बोर्ड की शुक्रवार को हुई मासिक बैठक में इस पर प्रस्ताव पारित किया गया है। हल्द्वानी रामनगर के 390 युवा दौड़ में पास। तो कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में सेना की ओपन भर्ती रैली जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नैनीताल जिले की हल्द्वानी और रामनगर तहसीलों के युवाओं की भर्ती हुई। भर्ती के लिए दौड़ में चयनित 1550 में से 390 अभ्यर्थी पास हुए। कोसानी से खबर आई है, 4.63 ग्राम इसमें के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। द्वाराहाट से खबर आई है, बगवाली पोखर में की महिलाओं ने सचल रेस्टोरेंट शुरू किया है। बीआरओ ने खोला मलारी हाईवे। तो आपदा से ध्वस्त पुल की जगह रिकॉर्ड 8 दिन में बनाया वैली ब्रिज। कोटद्वार में इस मैक के साथ एक धरा गया। तो पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई के बाद भी क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिथौरागढ़ से खबर आई है, बर्तन बजाकर भगाया गुलदार। तो बुंगा छीना के एक मकान के बरामदे से गुलदार ने कुत्ते को उठा ले गया। दूसरे दिन ग्रामीणों ने गुलदार के दिखाई देने पर बर्तन बजाकर गुलदार को गांव से दूर भगाया। 5 महिलाएं मारी, 2 गुलदार ढेर, फिर भी आतंक बरकरार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, देवलथल और कनारी छीना क्षेत्र में बीते 2 माह में अब तक गुलदार के हमले से 5 महिलाएं जान गंवा चुकी हैं। मुनस्यारी में कूड़ा फेंकने गई महिला नदी में गिरी, मौत हो गई। तो मुनस्यारी क्षेत्र के मधकोट में कूड़ा फेंकने गई एक महिला गौरी नदी में जा गिरी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मार्च तक होगी नए डॉक्टरों की तैनाती। तो प्रदेश में मार्च तक नए डॉक्टरों की तैनाती हो जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने यह जानकारी दी। कार्य स्थगन प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2016 में 1422 डॉक्टर थे, जिनकी संख्या 2021 तक 2126 हो चुकी है।
सरकार ने गिनाई बजट की खूबियां, विपक्ष ने बताया झूठ का पुलिंदा। तो विधानसभा सत्र के पांचवें दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से पेश बजट पर चर्चा में सत्ता पक्ष के विधायकों ने बजट का समर्थन कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी के लिए बजट के में कोई प्रावधान न होने पर झूठ का पुलिंदा और आंकड़ों की बाजीगरी करार दिया। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में रेडान जियो सेंटर स्थापित। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना के तहत LSM महाविद्यालय में रेडान जियो सेंटर स्थापित किया गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लगवाया कोरोना का टीका। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शुक्रवार को दून अस्पताल पहुंचकर COVID-19 का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद करीब 30 मिनट तक राज्यपाल डॉक्टरों की निगरानी में रही। राजधानी में प्रदर्शनों के नाम रहा शुक्रवार। तो राजधानी देहरादून में शुक्रवार का दिन धरना प्रदर्शन नाम रहा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कूड़ा उठान के टेंडर में घपले का आरोप लगाते हुए नगर निगम में जमकर हंगामा किया। छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने धरना दिया। प्रदेश में आज कहीं बारिश और कहीं ओलावृष्टि के आसार हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सिविल सेवा वन सेवा परीक्षा। तो संघ लोक सेवा UPSC में सिविल सर्विस के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 822 पदों पर भर्ती है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 27 जून को होगी। उम्मीदवार जल्द करें आवेदन। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में PGT के 524 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 18 से 42 साल है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च रखा गया है। स्पेशल एजुकेटर सहित विभिन्न पदों पर पद रिक्त। तो DSSB में 1809 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 14 अप्रैल है। UGC नेट 2021 तुरंत करें अप्लाई। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA। तो आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च है। तो आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। IFS अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में तैनात रही पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अदिति शर्मा ने पूर्व प्रमुख वन संरक्षक रंजना काला, वर्तमान मुख्य वन जीव प्रतिपालक JS सुहाग और राजाजी टाइगर रिजर्व निदेशक पर तैनाती के दौरान मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत दर्ज कराई है। उज्जैन इंदौर एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी नहीं। तो वैसे तो कोरोना संकट के बीच रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून से संचालित ज़्यादातर ट्रेनों के संचालन की मंजूरी दे दी गई, लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस और देहरादून इंदौर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के संचालन को मंजूरी नहीं दी गई है। केदारनाथ में बनेगा देवस्थान बोर्ड का 3 मंजिला भवन। तो मास्टर प्लान से तैयार किया जा रहा है डिजाइन। प्रशासन ने आंदोलनकारी को जबरन उठाया भर्ती। तो गैरसैंण से खबर आई है, मालकोट सेरा तेवा खरक सड़क निर्माण के लिए 27 फरवरी से अनशन पर बैठे बुजुर्ग गोविंद सिंह को प्रशासन ने जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। पीपल कोटी से खबर आई है, आपदा में लापता किमाड़ा के 3 युवकों का नहीं चला पता। तो ऋषि गंगा आपदा में अभी भी 133 लोग लापता हैं। जोशी मठ विकास खंड की किमाड़ा गांव के 3 युवक आपदा में लापता हो गए थे, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। देवाल से खबर आई, 134 लोगों ने लगाया कोरोना का टीका। सेना में भर्ती कराने के मामले में 3 सैन्यकर्मी पर मुकदमा।
तो सिकंदरा स्थित आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान पर चल रहे सेना भर्ती में 3 सैन्यकर्मियों पर ही भर्ती कराने का ठेका लेने का आरोप है। महाशिवरात्रि पर तय होगी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर 11 मार्च को ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए खोलने की तिथि व समय तय किया जाएगा। वहीं खबर, एक कोटद्वार से स्कूटी सवार ने राहगीरों को मारी टक्कर, मौत। तो भाबर क्षेत्र के अंतर्गत किशनपुर सिगड्डी मार्ग पर जीआईसी कण्व घाटी के समीप बृहस्पतिवार देर रात एक स्कूटी सवार ने राह चल रहे 2 युवकों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में राह चल रहे एक युवक की मौके पर मौत हो गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो संतों की शाही स्थान देख कुंभ नगरी अभिभूत। तो हाथी घोड़े ऊँटों के काफिले के साथ निकली आनंद और आवंद अखाड़े की भव्य पेशवाई। आम लोगों से कई गुना कठिन है नागा साधुओं का जीवन। तो कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को नागा सन्यासियों के दर्शन होते हैं। सभी घाटों, सड़कों और चौराहों पर कल तक कराएं लाइटिंग। तो अपर मेलाधिकारी ने 11 मार्च को पहले शाही स्नान की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। संतों के हैं रंग निराले, कोई लाइव तो कई सेल्फी वाले। तो सोशल मीडिया पर पेशवाई की झलकियां अपडेट कर रहे हैं साधु संत और नागा। पतंजलि में सुरक्षा सप्ताह के तहत हुई क्विज प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता के लिए 12 तक होंगे कार्यक्रम, 13 मार्च को समापन होगा। हरिद्वार से खबर है, धर्म परिवर्तन किए बिना शादी करने पर मुकदमा। तो बिना धर्म परिवर्तन किए ही शादी करने वाली लड़की समेत 5 लोगों के खिलाफ ज्वालापुर पुलिस ने उत्तराखंड धर्म अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शादी कराने वाले नजीमाबाद के पंडित पर भी इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। लाठीचार्ज के आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने गैरसैंण में महिलाओं पर हुई लाठीचार्ज की भर्त्सना की है। आंदोलनकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञान में लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोहाघाट से खबर आई, पिता पुत्र पर चाकू से हमला, पिता की मौत। तो लोहाघाट के प्रेमनगर से खबर आई, प्रेमनगर पाटन क्षेत्र में शराब पीने से मना करने पर कुछ युवकों ने पिता पुत्र को चाकू से गोद दिया। हमले में पिता प्रेमनाथ गोस्वामी की मौत हो गई, जबकि बेटे बबुलनाथ गोस्वामी की हालत गंभीर है। रुद्रपुर से खबर आई है, बैग से 9 लाख के जेवर चोरी। तो बस में चालक की सीट के पीछे रखे बैग को काट कर दिया अंजाम। तो रोडवेज स्टेशन पर खड़ी बस में रखे बैग को ब्लेड से काट कर उचक्कों ने 9 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। पीड़ित ने पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 8 से 31 तक बंद रहेगी त्रिवेणी एक्सप्रेस। तो टनकपुर शक्तिनगर के बीच चलने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस 8 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेगी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो बौना तिल्लू रौतेली पेंशन के लिए बजट नहीं। तो समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के लिए बजट न होने से तिल्लू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन और विकलांग भत्ता योजना के 7,350 पात्रों को चौथी किस्त नहीं मिली है। हल्द्वानी से खबर है, कलावती चौराहे पर सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चली। तो फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। तो नवाबी रोड कलावती चौराहे के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। फायरिंग में एक युवक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। उधर एसपी सिटी सहित कई अधिकारियों ने मौके पर मुआयना किया। हल्द्वानी से खबर है, 30 पेटी शराब अंग्रेजी शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षाएं। तो निजी एवं पब्लिक स्कूलों में इस बार वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में कराई जाएंगी।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पहाड़ मोटे अनाज की खेती से होगी मोटी कमाई। पीएम मोदी की पहल पर 2023 की को यूएनओ ने मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेपाली नागरिकों का भारत आना अब आसान। तो भारत नेपाल सीमा पर मेडिकल टीम हटाने के बाद से नेपाल नागरिकों का भारत आना सरल और सुविधाजनक हो गया है। जौलजीबी और बलुआ कोट के झूला पुल खुले, परेशान लोगों को मिली राहत। वहीं खबर है चंपावत से, जंगल की आग की चपेट में आया मकान, घर में रखा सामान और नकदी जली, तल्ली खटोली के गांव तक पहुंची आग। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो नियुक्ति के लिए कंपनी गेट पर फिर गर्जे डिप्लोमाधारी। तो फर्जी डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का आरोप, अब सोमवार या मंगलवार को एसएसपी में होगी वार्ता। वहीं खबर है रुद्रपुर से, बस अड्डे पर खड़ी बस में रखे बैग से 9 लाख के जेवरात चोरी हुए हैं। रिंकू हत्याकांड, मृतक की पत्नी समेत कई लोगों से पूछताछ की गई। वहीं खबर है गदरपुर से, खड़े ट्रक से टकराया दूसरा ट्रक, दो लोग घायल हो गए। तो लोहे के एंगल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा घुसा। हादसे में ट्रक चला रहे हेल्पर और चालक घायल हो गए।